हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। इसको आप अपने डिनर में भी ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, और इसको खाकर आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है बनाना, और इसको हमने काफ़ी सारी वेजिटेबल और मल्टीग्रेन चीज़ों से बनाया है, इसलिए इससे काफ़ी जल्दी वेट लॉस होता है। इसको बनाना काफ़ी सिंपल है और आप इसको पेट भरकर भी खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें हाफ कटोरी बेसन ऐड करेंगे, और उसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, और जितना सूजी लिया है उतना ही लेंगे हम इसमें ओट्स। थोड़ा सा लौकी लिया है कद्दूकस करके, फ्रेश लौकी है 1 कटोरी जितनी लौकी है। शिमला मिर्च बारीक कट कर लिया है, 1 टमाटर बारीक कट करके, थोड़ी सी गाजर इसको बारीक कट कर लिया है, हाफ प्याज लिया है ये रफली कट किया हुआ है, हल्दी पाउडर हल्का सा, अजवाइन, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और इससे डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम इसमें नमक, और 1 लेंगे हम इसमें साबुत लाल मिर्च लिए हैं, इसको क्रश करके डालेंगे। हाथ से क्रश कर लेंगे, इससे दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी इसका खाने में अच्छा आता है। थोड़ा सा लेंगे इसमें पानी, और जितना पानी लिया उतना लेंगे हम इसमें दही। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें कितने सारी वेजिटेबल ऐड की है, कितने सारे हमने ओट्स सूजी बेसन लिया है। ओट्स और सूजी बेसन, ये तीनों ही चीज़ें हमारे वेट लॉस करने में हेल्प करती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो कोई एक सिंगल वेजिटेबल से भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, और बैटर को हमें इस तरह से बनाना है थोड़ा पतला कि ये अच्छे से तवे पर फैल जाए। ये अच्छे से हो गया है, देखो मिक्स हो गया अच्छे से। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जितनी भी हमने वेजिटेबल और आटा लिया सब अच्छे से मिक्स हो जाए हाफ एन आवर के लिए, तब तक हम अपनी चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने लिया आधा प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको एक जार में डालेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है चटनी के साथ। अभी हमने इसमें खट्टा करने के लिए इसमें नींबू नहीं डाला है, जो आम का अचार होता है 2 पीस वो डालेंगे, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा, और पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। ये बहुत ही झटपट बनने वाली चटनी है और काफ़ी टेस्टी लगती है। आप आम के अचार की जगह पर यहाँ पर अमचूर या नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर टमाटर या दही, कुछ भी खट्टा करने के लिए आप जैसा आपको पसंद हो ऐसा डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है, और कितना अच्छा इसमें कलर आया है। अभी हम अपने बैटर को देख लेते हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसका अपना चीला बनाएंगे। तवे को गर्म करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर उसको क्लीन करेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इस पर जितना बड़ा हमें चीला डालना है बनाना है उतना ही हम बैटर डालेंगे। इसको अच्छे से फैलाएंगे, क्योंकि इजीली नहीं फैलता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल है, इसको इसलिए स्लो स्लो फैलाना है। जितना हमें बड़ा बनाना है उतना आप जैसी शेप चाहे दे सकते हैं उतना डालते हुए स्लो स्लो। अब देखिए अच्छे से फैल गया ये। अब ऊपर से डालेंगे हल्का सा देसी घी, और इसको अभी हम टर्न करेंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है। इसको अच्छे से देखिए कितने सुंदर इसमें कलर आ गया। हल्का सा ऊपर से 1-2 ड्रॉप और हम घी की लगाएंगे, घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। और अगर हम घी को लिमिट में खाते हैं ये भी हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है। इसको अच्छे से अभी हम एक प्लेट में निकालें कि दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। अभी हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। हरे धनिया की चटनी के साथ हम इसको खाएंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी सॉफ्ट बनता है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्प करता है। आप वैसे भी नॉर्मल इसको खा सकते हैं, बच्चों को लंच में दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं तोड़ने से ही पता चल रहा है, दिखने से ही कितना सॉफ्ट बना है ये। आप इसके साथ दही या चाय कुछ भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।